भाजपा प्रदेश संगठन द्वारा तय इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल की व्यवस्था से सभी भाजपा के 30 पार्षदों के प्रयास से कोरबा निगम भाजपा पार्षद दल द्वारा सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को निशुल्क 25 नंबर ऑक्सीजन सिलेंडर एवं 2 नंबर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से सेवा कार्य प्रारंभ किया गया, जिसका भी ऑक्सीजन लेवल 90 से कम हो रहा है। हम उनकी अन्य मेडिकल व्यवस्था होते तक उन्हें निशुल्क सामग्री प्रदान करेंगे। साथ ही सभी पार्षदों के प्रयास से जरूरतमंदों को सैनिटाइजर एवं मास्क का वितरण किया जा रहा है। मरीजों को प्रशासन के द्वारा दवा दिलवाया जा रहा है, मोहल्लों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। अभी कोरोना की इस द्वितीय लहर में देखने में आ रहा है कि मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जल्दी डाउन हो जा रहा है। इसके लिए ऑक्सीजन की उन्हें तत्काल आवश्यकता है। मरीजों को इमरजेंसी सेवा हम प्रदान कर सके इसके लिए 25 से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर और 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के द्वारा यह सेवा कार्य चालू किया गया है। इसमें हमारे भाजपा पार्षदों के द्वारा यह चिन्हित किया जाएगा कि किस मरीज को यह आवश्यकता है और आवश्यक मरीज को 3 दिन के लिए यह सिलेंडर हम उपलब्ध कराएंगे निशुल्क में, और वैकल्पिक व्यवस्था वह 3 दिन के अंदर मरीज अपनी कर ले, हॉस्पिटल एडमिट होना है तो वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, 3 दिन बाद यह दूसरे मरीजों को काम आ सके, इस प्रकार की योजना है, ताकि हम इन 25-50 सिलेंडरों से अधिक लोगों को यह आपात सेवा उपलब्ध करा सके। भाजपा के पार्षदों के द्वारा अभी घर घर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कराया जा रहा है, मोहल्लों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, मरीजों को शासन की मदद से और किट, कोरोना किट, दवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सजग हैं और अपने सेवा कार्य में लगे हुए हैं।